पहले तो प्रेयर कर लेते हैं हम। चलो सभी प्रेयर कर लेंगे। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी रस में लुब्धता न हो ऐसी शक्ति दीजिए। समरसी आहार लेने की परम शक्ति दीजिए। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे राइट। कहाँ पहुंचे थे हम? सिक्स। तो ये थर्ड के ये तीनों हो गए, ये फोर्थ भी बाकी है ना अभी, तो थ्री तक हुआ ना हमारा। ओके देख रहे हैं एंड थर्ड तक हुआ राइट। तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में मिरेकल क्या है। क्या लिखा है? एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पहले एक्सप्रेस करना है वही सेम मेथड से। देन आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर क्वेश्चन मार्क, वो देखेंगे हम सरप्राइज होते हैं या नहीं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो डिस्कस करना है कि क्यों ये जो आंसर आया है दैट मेक सेंस। तो चलो चेक करते हैं क्या है 0.99। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और हमें गिवन है 0.9999 इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं उसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सो से इसको हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज से x 0.9999 नाउ 999 है मतलब ये क्या है, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0.9 ही रिपीट हो रहा है। ओके अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x is equals to 0.9999 है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स। x तो है, भूल गए क्या? हाँ नहीं, थोड़े उठ जाओ, नींद में हो क्या? x is equals to 0.999 है और हमें ये गिवन है, this is nothing but 0.9 बार। अब हमने ये लिया तो हम बोथ दी साइड किसी से मल्टीप्लाई करते थे, किससे करते थे, 1 से, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे करते थे, 10 से। क्यों? एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसलिए। याद आया तो क्यों अभी नींद में हो गया। चलो तो से 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.9999 ऐसे हो जाएगा करेक्ट। ओके अब इसको हमें तोड़ना है लाइक दिस। तो हम क्या करते थे, जो है वो पहले लिख लेते थे और जो x हमारा है वो उसको में से माइनस कर देते थे 0.9999। सो वी विल गेट 0.00.9। ओके सो अब हम क्या करते थे, दिस टर्म एंड दिस टर्म का समेशन करते थे तो हमें ये टर्म मिलती थी। याद आ गया? ओके सो देयरफॉर से 10x विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9999। ये क्या है, ये तो x है। सो 10x और ये साइड आएगा तो माइनस x, दैट विल बी 9x इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 बाय 9, दैट विल बी 9 बाय 9 इज 1।
तो हमारा क्या आया x इज इक्वल टू 1। तो अगर 0.999999 ऐसा है, उसको हमें अगर p बाई q के फॉर्म में लिखना है तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 मतलब क्या, 1 डिवाइड बाई 1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, ये आंसर आ गया हमारा। ओके सो हमारा आंसर आया है 0.999 ... 1। तो ये सही है क्या, आर यू सरप्राइज्ड, क्वेश्चन पूछा है ये तो हमने कर दिया कि ये 999999 ... किया तो हमारा आंसर क्या है, 1। मतलब एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 0.9 और 1 दोनों सेम है। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, राइट? तो हाँ, सरप्राइज तो लगेगा क्योंकि 0.9999 है तो वो 1 तो नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वी आर सरप्राइज्ड। ओके फिर, यस वी आर सरप्राइज्ड। अब बोला है कि टीचर और क्लासमेट्स के साथ उसका डिस्कशन करो कि क्यों ऐसा आया, जस्टिफाई करो। तो हाँ, जस्टिफाई हम कर सकते हैं कि अगर 0.9999 कहां तक जाना है, 9999 इनफाइनाइट तक, क्योंकि डॉट 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 है, तो 1 और 1 से पहले का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0.9999 वही नंबर होगा 1 से पहले का। ओके तो 1 से पहले का नंबर होगा 0.9999999, चलता ही जाएगा। तो एक्चुअली जो हमारा 1 है और जो हमारा 0.9999999 वो है, उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.9 बार। अंडरस्टूड? गैप होगा तो तुम डिफरेंस निकालोगे ना, जैसे कि हम निकाले किसे, 5 - 4 = 1। तो ये 1 आंसर आया, क्यों आया, क्योंकि 5 और 4 के बीच में क्या है, गैप है। कितना गैप है, 1 डिजिट का गैप है। अगर 5 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि दोनों डिजिट के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। लेकिन 0.9 बार एंड 1 के बीच में कोई भी गैप नहीं है। अरे थोड़ा भी तो गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 0.01 का गैप होता, सिर्फ इतना छोटा सा गैप होता 0.01 का, तो भी हमारा आंसर क्या आता, 1, और ये 0.01 उसमें से माइनस हो जाता तो आंसर क्या आता, 0.01 है तो क्या आ जाता, 99। इतना गैप होता तो देखो, दिस प्लस दिस करोगे तो 1 आ जाएगा, ये और ये ऐड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते थे कि इतना भी गैप हो तो दिस एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट है तो कुछ गैप है। कौन सा गैप है, दिस इज द गैप, बट यहां पर तो गैप ही नहीं है क्योंकि ये तो 0.01 है, लेकिन हमारे पास क्या है, 0.00000000000 चलता ही जा रहा है, और 1 तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। समझ में आया? तो ये एक्चुअली हमें ऐसे ही लिखना हो इसको, मतलब माइनस करके, तो 0.00000000 चलता ही जाएगा, और फिर लास्ट में 1 आएगा तब डिफरेंस होगा, अगर 1 नहीं आएगा तो डिफरेंस होगा नहीं, तो 0.0 ही है तो 0.0 में क्या डिफरेंस आएगा। समझ में आया? सो यस इट इज ट्रू, 0.9 बार इज इक्वल्स टू 1, दिस इज ट्रू, ये सही है। क्यों? क्योंकि 0.9 बार और 1 के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं। क्लास 10 तुम लोग भी देखो, शायद तुम लोगों को याद हो ऐसा न्यूमेरिकल चैप्टर 1 में आया था। ओके कि हमें 0.9999 और वो डॉट 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 है, मतलब चलता ही जा रहा है, तो उसको p by q के फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर लिखना है, तो रैशनल नंबर लिखे तो आंसर आ जाता है 1। तो सोचो, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं 0.9 और 1 सेम है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन 0.9 नहीं है ये 0.9999 चलते ही जा रहा है, 0.9 बार है। तो हाँ, 0.9 एंड 1 दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि बीच में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है। ओके 0.09 और 1 दे आर ऑल्सो नॉट सेम। ओके मतलब कि 0.9999 चलता ही जाएगा, तो 1 और 0. वो जो 9 बार है वो दोनों क्या है, सेम है। तो इफ आफ्टर ऐसे ही कुछ तुम किसी को भी जो भूल गए हो क्लास 9 का, उनको तुम पूछो कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.9999 ऐसे चलता ही जा रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जनरली आंसर होगा नहीं लिख सकता।
क्यों? क्योंकि पता ही है कि भाई ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, 0.9999 अलग होता है और 1 अलग होता है, तो दोनों सेम कैसे होगा? लेकिन दोनों सेम है क्योंकि बार है, मींस व्हाट, इट इज कंटिन्यूअस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो फिर सेम है, अंडरस्टूड? तो ये याद रखना। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट पे मूव करें, एनी डाउट? ओके चलो, तो नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा, क्या लिखा हुआ है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो रिपीट होते हैं ना ऊपर, जो हम क्वोशेंट लिखते हैं ऊपर, ओके, डिवाइड, डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो जो क्वोशेंट में चीज रिपीट होती है, नंबर्स रिपीट होते हैं, उसके ऊपर हम बार लिखते हैं। तो बोल रहे हैं कि कितने नंबर होंगे फिर ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, कब? जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तब। क्वेश्चन मार्क, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो कितने होंगे वो हम बोल कैसे सकते हैं कितने होंगे, लेकिन हमने ये देखा था कि जितने भी नंबर हो जो हम डिवाइड कर रहे हैं उससे तो छोटे नंबर ही होंगे। ओके, मतलब कि 17 है तो 17 से कम वाले नंबर ही ऊपर, अंडरस्टूड? ये तो हमने चेक किया था एग्जांपल्स में। अब हमें लॉन्ग डिवीजन करके चेक करना है कि 1/17 करे तो क्वोशेंट में कितने डिजिट्स आते हैं और फिर वो रिपीट होते जाते हैं। ओके, तो जनरली मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 16। अगर 17 है तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं उससे एक कम वाले, तो 16 आ सकते हैं। लेकिन 18 डिजिट्स आए और फिर रिपीट हो, ऐसा होगा नहीं। समझ में आया? ये तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, समझ में आया? तो 1/17 करके हमें करना है। चलो करते हैं, ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल था। चलो फिफ्थ वन करते हैं। तो फिफ्थ वन में हमें क्या करना है? 1/17 करना है। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सो 1/17 डिवाइड करना स्टार्ट करें तो पहले तो नहीं होगा, तो 0. और यहाँ पर 0 अभी भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, देन अब तो होगा। ओके, तो अब कहाँ से हो रहा है? देखो 17 16 5 80 17 5 85। ओके, तो 17 6 102, तो वो तो नहीं आएगा, तो 17 5 85। हाँ चलो, तो ये कितने बाकी रहे? 15। अब 0, तो कितना आ गया? 150। तो 150 का 17 से करेंगे तो 17 9 कितना होगा? 17 9 153। लेकिन वो तो ज्यादा हो गया, तो 17 8 करेंगे तो 153 में से वापस 7 जाएगा, तो 136। ओके, तो 17 8 136। अब कितने बाकी रहे यहाँ पर? 4 और 14 बाकी रहे, देन 0 140, तो 8 सा ही आएगा वापस। ओके, क्योंकि 8 सा पे 36 आ रहा है, सो 17 8 136, सो 40 17 2 34। ओके, सो कितना आ गया है? 60 देन 17 5 और 17 से 4 जा करेंगे तो कितना आएगा? 68, वो भी नहीं चलेगा, तो 17 3 ओके, यहाँ आ गया 9 देन 0 सो 17 5 85। देखो कुछ भी अभी रिपीट हो रहा नहीं है, तो हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं।
देन यहाँ क्या आएगा 5 0 17 3 51 सो 17 2 34 देन 6 नहीं है सॉरी 16 है 16 160 ओके तो 17 9 हमने बोला कितना 153 तो वो आएगा 9 153 तो यहाँ कितना बाकी रहा 70 17 4 68 तो कितना बचा 20 17 1 17 तो अब क्या आया से 3 आया 30 17 2 भी नहीं आएगा तो 17 1 फिर क्या आएगा 17 तो यहाँ क्या बचा 13 0 देन 17 130 आया तो 17 5 6 कितने नंबर हो गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर तो ऑलरेडी हो गए हैं अब क्या करेंगे 17 हमने एक किया था ना 136 आ रहा था 17 8 136 लेकिन यहाँ पर तो 7 करना पड़ेगा 119 17 7 119 तो यहाँ कितना बाकी रहा 11 0 अब 17 5 85 एंड 17 6 102 यहाँ कितना बाकी रहा 80 17 5 से तो नहीं होगा तो 17 4 68 तो यहाँ कितना बाकी रहा 120 आया था क्या नंबर कभी नहीं आया 120 सो अभी हमने किया था ये कितना है 7 तो 8 करेंगे तो कितना होगा 17 8 कितना हो रहा है 17 7 है 119 ओके 17 7 है 119 तो वो करेंगे 17 7 119 तो कितना बाकी रहा 1 और 0 आया है तो अब 1 बाकी रहा 0 तो अब तो चल नहीं रहा है 10 तो वापस 0 वापस 0 तो कितने आ गए 100 ये देखो नंबर आया 100 समझ में आया ये 100 आया अब वापस करेंगे तो सेम आता जाएगा क्योंकि 17 से 5 85 लाइक है समझ में आया तो अब रिपीट होना स्टार्ट हुआ है ओके मतलब कि ये 100 आया है अब वापस अगर हम करें तो ये 100 तो आ गया देन 17 5 85 देन यहाँ पे कितना बाकी रहा 15 150 आ गया ओके तो 05 वापस यहाँ से रिपीट होने लगा 05 ओके तो कितने नंबर आए देखो वही हमें चेक करने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने नंबर आए 16 और फिर 05 से वापस रिपीट हो रहा है सो व्हाट इज अवर आंसर एक्चुअली 1/17 करेंगे ओके 1/17 करेंगे तो क्या आएगा से उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखे तो 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और उसके ऊपर 12 डन ओके सो टोटल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 16 तो जो हमें पूछा था ओके हमें क्या पूछा था कि कितने डिजिट्स होंगे ये What can the maximum number of digits in the repeating block? तो repeating block में maximum कितने number आ रहे हैं? 16. Okay. तो वो हमने check कर लिए और perform division तो हमने पूरा division perform किया. देखो कितना लंबा division है. तुम्हारे अगर notebook में करेंगे तो 2 पेज भर जाएंगे. इतना लंबा division तुम्हें करना पड़ेगा. But don't get confused कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है. Okay. 16 digits के बाद अब repeat होना start हुआ है. Understood. Okay. चलो सो नेक्स्ट है हमारा 6th one न्यूमेरिकल नंबर 6 लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ओके
वेर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, इंटीजर है वो लोग, विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो p by q के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो हम क्या लिखेंगे कि q की प्रॉपर्टी क्या होगी, इट शुड नॉट बी जीरो, वो जीरो होनी चाहिए नहीं, वही प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए कोई भी p by q के फॉर्म में अगर हम लाए तो. ओके और उसके जो फैक्टर्स होंगे तो देन फैक्टर्स शुड बी नो अदर फैक्टर शुड बी देयर, मतलब कॉमन फैक्टर होने चाहिए नहीं, दे शुड बी पी एंड क्यू बोथ आर से कंपोजिट नंबर्स. तो मतलब उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो वन के अलावा दूसरा कोई भी होना चाहिए नहीं. अंडरस्टूड? पक्का? ओके सो इसका यही आंसर हम लिखेंगे, ये क्यू वाला और ये कंपोजिट नंबर वाला. बुक में क्या लिखा है जस्ट चेक. ओके हाँ सो यस दिस इज ऑल्सो देयर. सो ये क्या कह रहे हैं चलो बताता हूं. जो q है, q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो जो हमने दो बोली वो प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए. q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, एट द सेम टाइम p एंड q शुड बी कंपोजिट नंबर, वो तो होने चाहिए. एट द सेम टाइम क्यू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्यू के, इट शुड बी फैक्टर शुड बी टू इन द फॉर्म ऑफ टू रेस टू समथिंग और से फाइव रेस टू समथिंग. कैसे? चलो देखते हैं. से हम करते हैं सेवन बाय टेन. ओके सेवन बाय टेन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करोगे तो ये क्या होगा 7 बाय 1 और इनका क्या होगा 2 बाय 5 और इनटू 2 इनटू 5. तो सिर्फ 1 ही है, कॉम्पोजिट नंबर ही है, करेक्ट? सिर्फ 1 है, 7 एंड 10 आर कॉम्पोजिट नंबर एंड सिर्फ 1 ही कॉमन है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है. तो क्या ये रैशनल नंबर है? है, राइट? देखो सिर्फ p by q अब नहीं देखना है, क्योंकि अब तो हमें देखना है कि 2 और 5 के फॉर्म में होगा. वैसे हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कैसे. मान लो हम करके देखते हैं, चलो वो बार वाला करके देखते हैं. तो क्या होना चाहिए? या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो रैशनल है. तो चलो चेक करते हैं. सो 7 divided by 10, तो यहाँ तो होगा नहीं, तो 0. ओके तो यहाँ क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग 7 by 10 0.7. ओके तो अगेन रेशनल नंबर आ गया, पक्का? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सपोज वी आर टेकिंग से अगर हम और कोई नंबर ले ले से 11 divided by 100, ये नंबर लिया तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे 11 into 1 और इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे 10 into 10 into 1. इसका और होगा 11 into 1, इसका होगा 2 raised to 2 into 5 raised to 2 into 1, 2 5 are 2 5 are 9, ऐसा ही होगा, करेक्ट? इसके 100 के करोगे तो ऐसे ही फैक्टराइजेशन होंगे, 10 बाय 10 होगा, 10 का फिर हम क्या कर सकते हैं 2 into 5, इसका भी 2 into 5, तो 2 बार 2 हो गया और 2 बार 5 हो गया और into 1. तो अगेन देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है. ओके अदरवाइज कुछ भी कॉमन है नहीं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स. स्टार्ट करो. हाँ
तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर. अंडरस्टूड, पक्का. सो इसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. इसको भी देखो तुम अगर करोगे तो टर्मिनेटिंग ही आएगा, 0.11 आंसर आ जाएगा, 11 डिवाइड बाय 100 है. ओके, समझ में आ रहा है? पक्का. अच्छा, अब कोई और नंबर लेते. देखो नीचे अगर 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो क्या है, डायरेक्टली वो पता ही है कि वो रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा से 13 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे लिख दो. तो ये भी रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.013. तो भाई टर्मिनेटिंग आ गया है, इसका रेशियो अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ गया है, टर्मिनेटिंग. मतलब क्या, वो रैशनल नंबर है. डन. इरेशनल नंबर कोई अगर हम ले, ओके, कोई भी इरेशनल नंबर ले, तो वो इरेशनल नंबर जो होगा उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते नहीं है, इसीलिए तो वो इरेशनल नंबर है. ओके, और कोई नंबर, ये तो हमने सारे ले लिए 10, 100, 1000 में से, और कोई नंबर लेने हो जस्ट लाइक से 5 डिवाइडेड बाई 22, ये एक नंबर ले लिया, तो क्या ये भी रैशनल नंबर है? ओके, तो वो देखते हैं ये भी रैशनल नंबर है या नहीं. 5 डिवाइड बाई 22, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बाई 1. ये कोई भी नंबर लेके हमें चेक करना है. ओके, तो पहले तो हमने कौन से नंबर लिए, 10, 100, 1000 नीचे क्यू में. ओके, तो वो तो डायरेक्टली हमें पता है टर्मिनेटिंग ही हो जाएंगे. अब इसको लिखेंगे क्या, 11 × 2 × 1. अगेन 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन दे आर कंपोजिट नंबर. तो ये यस, दिस आर आल्सो, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर. चेक करना हो तो कर लेते हैं. सो से 5 डिवाइडेड बाई 22, चल नहीं रहा है तो 0. यहाँ पे 0, 22 2 ज़ा 44, 6 0, 22 3 ज़ा 66, तो अगेन 2 ज़ा 44, सो 10 एंड 60 एंड 0. सो अब कितना होगा, से 22 5 6 7 8, तो 7 4 1 154, देन क्या आया, 6 0. देखो 6 0 आ गया, अब रिपीट होगा. ओके, 6 एंड 0, तो 22 2 ज़ा 44 16 0, तो वापस क्या आएगा, 7 ज़ा कितना, 154, देन क्या है, 60, तो 2 ज़ा. तो अब ये क्या है, 7 2 7 2 7 2, रिपीट होगा. ओके, क्या रिपीट हो रहा है, और 2 7 2 7 2 7 2, फिर वापस 7, तो 2 7 रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स हम 5 बाई 22 को कैसे लिख सकते हैं, 0.2 2 7 2 7 2 7, तो 2 7 का बाद. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट मीन्स रैशनल. ओके, अब उसके फैक्टर्स देखो, तो उसके फैक्टर्स में भी क्या है, 2 आ ही रहा है. अगर 2 ना आए और 5 भी ना आए तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा. ओके, देखो ये क्या है, 2 और 5 तो सब जगह आया है, तो ये समझ में आ गया. एक कोई ऐसा एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए अगर ले, तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 2 भी ना आए और जिसमें 5 भी ना आए, वो करते हैं. चलो, तो देखो, से 2 भी ना आए, 5 भी ना आए, हम ले लेंगे से कुछ भी ले लेते हैं, 8 बाई 7. ओके, तो Q में अब 7 है ना, 2 है ना 5 है, हमने क्या लिया है, 8 बाई 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 into 1, 2 2 2 2 into 1 divided by, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 into 1, that's it, और कुछ नहीं. डन. तो अब Q में ना 2 है और ना ही 5 है. डन. अब ये रैशनल नंबर है या नहीं, चलो चेक करते हैं. क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 7 से, 7 × 7 = 1. ओके, 0.0, देन 7 × 7 = 3 0, 7 × 4 = 28, 2 0, 7 × 2 =
14, 6, 0, 7, 7, 49, 7, 8, 56, 4, 0, 7, 4, 0 आया ना, तो 7, 5, 35, 4, 0 है, तो क्या आया, 35, तो 5, 0, 7, 7, 49, 1, 0, 7, 1, 0 आया, तो 7, मतलब ये क्या आया है 1, 4, 2, 5, 7, ये भी रिपीट हो रहा है, तो 8/7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर हम देखें कि भाई इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है, मतलब दे आर कॉम्पोजिट टू ईच अदर, क्योंकि उसके जब कॉमन फैक्टर देखे तो ये आ रहे हैं। ओके, इरेशनल नंबर लेंगे हम, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में तो ऐसा होगा ही नहीं। मतलब जे तुम ले लो कैसे 3/5, तो 3/5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि 5 3/5 है और 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। दैट मीन्स हमने देखा इतने सारे नंबर्स में हमने लिए क्या, देखो इरेशनल नंबर तो हम इरेशनल नंबर को p by q में तो लिख ही नहीं सकते, तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे कैसे, p by q में लिख नहीं सकते, समझ में आया। सो हमने कोई भी नंबर लिए तो सब में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, उसमें 2 के पावर्स भी है और उसमें 5 के पावर्स भी है, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। अगर 2 और 5 दोनों के पावर नहीं है, जैसे कि हमने लिया यहां पर 8/7, तो यहाँ पे q क्या है, 7 है, तो यहाँ पे ना 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करे 7 का, तो ना उसमें 2 है और ना ही उसमें 5 है, then also, okay, वो क्या है, रेशनल नंबर है, डन। तो हो तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो रेशनल नंबर है, लेकिन 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन ना हो तो भी वो इरेशनल नहीं हो जाता, उसके लिए लॉन्ग डिविजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इट इज अ रेशनल। Understood. फिर से वो पढ़ो आंसर जो लिखा था वो। और बोथ ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें पर्टिकुलर नंबर के, तो पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5 और दोनों के पावर होंगे, यहाँ पे दोनों के पावर है, 2 भी है 5 भी है, कहीं कहीं जगह पे सिर्फ एक ही हो सकता है। अंडरस्टूड, पक्का, ओके, समझ में आया, ओके, चलो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 एक्सप्रेशंस लिखो जिसके डेसिमल एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब कि क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ओके, चलो, तो वो कौन सा है, 7th वन, ये कौन सा था, 6th वन, क्या बोल रहे हैं कि 3 नंबर तो कोई भी लिख सकते हैं ना हम, तो इरेशनल नंबर लिखने हैं, नॉन रिपीटिंग, क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो वही तो इरेशनल नंबर है, तो 3 लिखो तो कोई भी 3 लिख सकते हैं हम, तो जैसे कि
कुछ भी लिखो ओके देन नेक्स्ट 0.20 1 2 3 4 2 1 A 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुछ भी लिखो ओके तो वो क्या है irrational numbers ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 गाना बन गया ओके चलो हाँ नेक्स्ट फाइंड कहाँ गया हाँ फाइंड 3 different इरेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11 चलो तो 8 वाला है ये तो 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें क्या फाइंड करना है इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं फिर उनके बीच का वो लिख लेंगे हम जैसे करते थे तो डेसिमल फॉर्म में हम अगर इसको लिखे चलो हाँ तो क्या लिखेंगे सिर्फ 5/7 पहले तो नहीं होगा तो 0 यहाँ पे 0 तो क्या आ जाएगा 7 7 7 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 48 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 39 वापस आ गया 54 तो 7 रुपी टू आया दैट मीन्स क्या है 5/7 इज इक्वल्स टू 0.714285 बार डन अब 9/11 का ही वैसे करेंगे हम से 9/11 सो 9/11 का करें तो 0.0 ओके सो 11 8 88 2 0 1 11 9 0 8 88 2 0 1 क्या आया वापस 11 9 0 8 तो यही चल रहा है 8 1 8 1 8 1 ओके सो 8 1 8 1 चल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9/11 इज इक्वल्स को क्या लिख सकते हैं हम 0.81 बार डन तो ये है 5/7 इज इक्वल्स टू दिस मच 7 1 और यहाँ पे है 8 1 उसके बीच का कोई भी नंबर लिख दो ओके सो से उसके बीच के एक ही लिखना है कितने लिखने हैं 3 लिखने हैं तो देखो 7 1 है और 8 1 है ओके तो 7 1 और 8 1 के बीच में लिखो 7 2 से स्टार्ट करते हैं 0.724312918 कुछ भी लिखना है ओके डॉट 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 अभी ये तो रैशनल नंबर है इसलिए रिपीट हो रहे हैं लेकिन अब हम यहाँ पे बार नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि ये तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है ओके तो ये डॉट 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 देन यहाँ पर भी 0.7215677891 2 का 4 डॉट 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 यहाँ पे 0.721 था ये 204 था यहाँ पे 23 1890 2023 चल रहा है डॉट 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 कुछ भी लिखो ओके अंडरस्टूड तो ये 3 इरेशनल नंबर है बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 and 9/11 अंडरस्टूड पक्का क्या करना है हमें डिवाइड कर लो डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन में ले आओ और उसके बीच में कोई भी नंबर लिखो
सेवन ये क्या है 8181 रिपीट हो रहा है और ये 71 से स्टार्टिंग है, तो हमने एग्जांपल में भी ये न्यूमेरिकल देखे, तो कोई भी नंबर लिखो, हमने 72 से स्टार्ट किया है, तुम 74 75 76 78 79 80 0.80 भी लिख सकते हो, वन तक जाना है हमें, इससे आगे नहीं जाना है, 8181 रिपीट हो रहा है तो उससे आगे नहीं जाना है और इससे पीछे नहीं जाना है, अंडरस्टूड? बीच में जो वो होती थी, तुम नाइन्थ का पढ़ रहे हो क्या, चलो करो, समझ गए? ओके, सेवेंथ वाला क्या, एट वाला क्या, अब कर रहे हैं हम नाइन्थ। ओके, क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर, यही क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्या लग रहा है, पहला वाला कौन सा है, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल, रूट है ओके okay, और वो स्क्वायर नंबर का नहीं है, 23 तो प्राइम नंबर है, सो ये क्या है, इरेशनल। सेकंड क्या लग रहा है, रैशनल क्यों? इरेशनल पक्का? अब सब गया, चलो व्हाटएवर, छोटा ही है, बाकी देख लेते हैं। कौन सा पेज है वो? ये तो टेंथ की बुक, कौन से पेज नंबर पे है? 1414। हाँ, तो रूट 225 इरेशनल नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 15 का, याद करना पड़ेगा, 20-25 तक के तो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तो 225 क्या है, स्क्वायर है किसका, 15 का, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 22, मतलब 225 आ जाएगा, तो रूट 225 है मतलब वो रूट में से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 है, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15, तो 15 तो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 15/1 हम लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में। देन नेक्स्ट जो गिवन है 0.3796, ये रैशनल है या इरेशनल? रैशनल है, क्यों? खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गए हैं, तो रैशनल है, यस करेक्ट। नेक्स्ट 7.478478 रैशनल है, क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कि बार नहीं आएगा, बार आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, देखो 478478 रिपीट तो हुआ है, 478478 तीन नंबर पे है ना, तीन डिजिट पे ऊपर बार आएगा, देखो 478 आया पहले, फिर वापस 478 ही है, फिर डॉट 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 लिखा है, दैट मींस वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, अंडरस्टूड? पक्का? तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। और नेक्स्ट वन फिफ्थ 1.101001000140001... ये क्या है, इरेशनल है, क्यों? रिपीट कहाँ हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ओके वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो हमने पूरी 1.3 एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल कंप्लीट किए, अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना, श्योर? ओके, तो क्या करें फिर, लाइट का इंतजार करते हैं और क्या, डन, इतना समझ में आ गया, तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट कर देते हैं हम।